नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ये जो भर्ती का नया नोटिफिकेशन है, ये डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा जारी किया गया है। BSF के द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशंस इन्वाइट की गई हैं विभिन्न प्रकार के ट्रेड्स के लिए। कॉन्स्टेबल की वैकेंसी है और कॉन्स्टेबल में विभिन्न प्रकार के ट्रेडमैन की जो वैकेंसी है 2021 और 22 के लिए, ये वैकेंसीज़ का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जो BSF के द्वारा जो ऑफिशियली जो एम्प्लॉयमेंट ये नोटिस है, और ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 15 जनवरी 2022 से लेकर 21 जनवरी 2022 का जो ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, उसमें ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस पब्लिश हो चुका है। इस एडवर्टाइजमेंट के तहत कॉन्स्टेबल विभिन्न प्रकार के ट्रेड्स के ट्रेडमेंट्स के लिए 2788 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इनमें इन वैकेंसीज में से 2651 वैकेंसी मेल के लिए आरक्षित रखी गई हैं और 137 वैकेंसी जो हैं वो फीमेल के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इन सभी पदों के लिए 2788 पदों के लिए आपको जो अपना आवेदन है वो केवल और केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से ही आप जमा करवा पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवाने की जो अंतिम तारीख है वो 28 फरवरी 2022 है। 28 फरवरी 2022 से पहले पहले ही आपने BSF की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर आपने अप्लाई करना होगा। इन सभी पदों के लिए जो पे स्केल है वो पे लेवल 3 का रहेगा। 21,700 से लेकर 69,100 प्लस अलाउंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को टाइम टू टाइम दिए जाते हैं वो आपको तनख्वाह के रूप में मिलेंगे। आगे वैकेंसीज़ का विवरण एक बार आप देख लें किस प्रकार से आप अप्लाई करना है, और जिस भी ट्रेड में आपकी सूटेबिलिटी लगती है उस ट्रेड के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्स्टेबल कॉबलर का 88 पद हैं। 88 पदों में से 40 जनरल के लिए हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 7 हैं, OBC के लिए 19 पद हैं। कॉबलर का पद होता है मोची के लिए। और कॉन्स्टेबल टेलर के कुल 47 पद हैं जिसमें से 25 जनरल श्रेणी के लिए हैं। ये सभी मेल कैंडिडेट्स के लिए पहले वैकेंसी है। टेलर की जो वैकेंसी है 47 है। कांस्टेबल कुक की 8,997 वैकेंसी हैं जिनमें 380 जनरल श्रेणी के लिए हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 89 पोस्ट हैं। OBC के लिए 208 पोस्ट हैं। SC के लिए 144, ST के लिए 76 पोस्ट हैं। इसी प्रकार कांस्टेबल वाटर कैरियर की 510 वैकेंसी है। 510 वैकेंसी में से 213 वैकेंसी जनरल श्रेणी के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 48 हैं। 123 वैकेंसी OBC के लिए हैं। 83 पोस्ट जो हैं SC के लिए हैं। 43 जो पोस्ट हैं वो ST के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इसी प्रकार कांस्टेबल WM यानी कि वाशरमैन की जो पोस्ट हैं वो 338 पद हैं। 338 पदों में से 147 पद जो हैं जनरल श्रेणी के लिए हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 35 हैं। OBC के लिए 77 पोस्ट हैं। SC के लिए 55, ST के लिए 24 पद हैं। इसी प्रकार कांस्टेबल बार्बर के 123 पद हैं। कांस्टेबल स्वीपर मेल के लिए 617 पद हैं जिनमें से जनरल श्रेणी के लिए 263 हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 60, OBC के लिए 145, SC के लिए 98 हैं, ST के लिए 51 पद हैं। कांस्टेबल कारपेंटर के 13 पद हैं जिन 13 पदों में से जनरल श्रेणी के लिए 11 हैं, OBC के लिए 2 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार कांस्टेबल पेंटर के लिए 3 वैकेंसी है। कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए 4 वैकेंसी हैं। कांस्टेबल ड्राफ्ट्समैन के लिए 1 वैकेंसी है जो कि जनरल श्रेणी के लिए है। कांस्टेबल वेटर के लिए कुल 6 वैकेंसी है, 6 की 6 वैकेंसी जनरल श्रेणी के लिए हैं। कांस्टेबल माली के लिए कुल 4 वैकेंसी है जो कि 4 वैकेंसी जनरल श्रेणी के लिए आरक्षित रखी गई हैं। टोटल वैकेंसी जो मेल के लिए हैं 2651 हैं। 2651 में से 1151 वैकेंसी जनरल के लिए हैं। 254 वैकेंसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हैं। OBC के लिए 615, 420 SC के लिए हैं और 211 ST के लिए हैं। कुल मिलाकर ये 2651 पद मेल कांस्टेबल के लिए विभिन्न ट्रेड्स के लिए निकाली गई हैं। इसी प्रकार फीमेल के लिए भी वैकेंसी अलग से निकाली गई हैं। 137 वैकेंसी हैं जिसमें सीट कांस्टेबल कॉबलर के लिए 3 वैकेंसी हैं, कांस्टेबल टेलर के लिए 2, कांस्टेबल कुक के लिए 47 पद हैं। और कैटेगरी वाइज विवरण भी आप वीडियो स्क्रीन पर टेबलेटर फॉर्म में देख सकते हैं। कांस्टेबल वाटर कैरियर के लिए 27, कांस्टेबल वाशरमैन के लिए 18, कांस्टेबल बार्बर के लिए 7 वैकेंसी हैं, कांस्टेबल फीमेल स्वीपर के लिए 33 वैकेंसी हैं। कुल मिलाकर 137 पद हैं विभिन्न ट्रेड्स के लिए। 137 पदों में से
92 जनरल के लिए हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 4 हैं, ओबीसी के लिए 25, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 5 वैकेंसी हैं। इन सभी पदों के लिए जो हिदायतें दी गई हैं इस एडवर्टाइजमेंट में, जो ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में पब्लिश हो चुकी हैं, केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही आप अपना एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको 45 दिन का समय मिला है इस भर्ती पब्लिश हो जाने के बाद। ये भर्ती 15 जनवरी 2022 को पब्लिश हुई है, इस हिसाब से 45 दिन आपको 28 फरवरी तक पूरे हो जाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको एक वेबसाइट बताई गई है जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर एक मोटे अक्षरों में आपको अब दिखाई पड़ रही होगी, https://recruit.bsf.gov.in। इस वेबसाइट को आप लगातार देखते रहें और इसी वेबसाइट के माध्यम से आपने जो अपने स्टेट वाइज वैकेंसीज का विवरण है वो मिल जाएगा और इसी मुताबिक आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। एज लिमिट की बात करें, 18 से 23 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। आयु की गणना जो है 1 अगस्त 2021 को की जाएगी। 1 अगस्त 2021 को आप 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो होने चाहिए। और जो एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट हैं उन्हें ऊपरी आयु सीमा में भारत सरकार के नियमों के मुताबिक छूट मिलेगी। असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होगी तो आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कम से कम 2 वर्ष का अनुभव रिस्पेक्टिव ट्रेड में होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और 1 साल का जो ITI का सर्टिफिकेट है वोकेशनल इंस्टीट्यूट से वो कम से कम आपके पास किसी भी ट्रेड में, जैसे टेलर का, पेंटर का, कारपेंटर का, इन ट्रेड्स के लिए आपको इन डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार इस एडवर्टाइजमेंट को आप थॉरली पढ़ लें एक बार अप्लाई करने से पहले। जो फिजिकली स्टैंडर्ड है आपका वो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए कम से कम। जो एससी स्टूल ट्राइब्स हैं, एससी एसटी हैं, किसी भी यूनियन टेरिटरीज़ के हैं, और 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। और जो अन्य कैंडिडेट्स हैं, मैन कैंडिडेट हैं, उनकी जो लंबाई है वो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और छाती बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और फुलाकर 83 सेंटीमीटर आपकी जो चेस्ट है वो होनी चाहिए। और फीमेल के केस में 155 मैक्सिमम आपकी जो 157 मैक्सिमम आपकी हाइट होनी चाहिए तभी आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको एक वेबसाइट दी गई है, उस वेबसाइट के ऊपर आप जाएं https://recruit.bsf.gov.in। इस वेबसाइट के माध्यम से जाकर आप इन सभी पदों के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आप इस एडवर्टाइजमेंट को एक बार थॉरली पढ़ लें। यदि आप अपने क्वालिफिकेशन को फुलफ़िल करते हैं तो आपको इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहिए। और अप्लाई करने के लिए ये लिंक आपको, जैसा कि BSF ने इस एडवर्टाइजमेंट में बताया है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ से भी आप इस जो ऑनलाइन लिंक है उस लिंक से जाकर आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्तियों की जानकारी के साथ। तब तक आप चैनल पर ज़रूर बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक व शेयर भी ज़रूर करते रहें, ताकि आपको इस प्रकार के छोटे बड़े नोटिफिकेशन भर्तियों से संबंधित आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। धन्यवाद।